بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها देखी दोस्तों, हाँ जी कोरोना तो बाद तो आडा हम तेल आ गई किंग का भाई नजर ही लागी मांगदा ही नहीं गा रब इशरह ली सदरी एको वयस्सिर ही ली नहीं जाए दस अदद मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما शेखतुम आप पढ़ेंगे। जी पढ़िएगा जी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هم آپ پر بیان کرتے ہیں آپ خبریں حق کے ساتھ उनकी खबरें यानी ان اصحاب کی کہف کی خبریں आप पर हक के साथ بیان کرتے ہیں انہم فتیتن کہ بے شک وہ کچھ نوجوان آمنوا بربہم ایمان لائے अपने रब पर वजिदना हम हुदा और हमने उनको बढ़ा दिया हिदायत में अब इसका और इससे अबतना ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ईमान में और किसी की हिदायत के अंदर कमी पेशी करता रहता है। यानी ईमान की कमी पेशी का जो अकीदा अहले सुन्ना के यहाँ सलमा है ये उसका सबूत है। दूसरी बात के फितियतुन ये कुछ नौजवान थे, तो ये नौजवानों के नाम क्या थे ये इसराइली रवायात में तो आया है, बाकी किसी भी मुस्तनद रवायत में इनका नाम नहीं मालूम। अगरचे हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने कुछ इसराइली रवायतों के की वजह से इनके नाम दर्ज किए हैं। जी وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے اس قاموں جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب تو وہ رب السماوات والارض جو آسمان اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونه الہ ہم ہرگز نہیں اس کسی हम लन न दुआ हर हम हरगिज नहीं पुकारे पुकारते मिन दूनी ही उसके अलावा इलाहन किसी इलाह को लकद कुलना इजन शतता कि अलबत्ता तहकीक हमने कहा इजन शतता हमने बहुत ही यानी ज्यादती वाली बात कही, यानी जब अगर हम ऐसा कहेंगे अल्लाह के अलावा किसी को इलाह ठहराएंगे तो हमने बहुत ज्यादती वाली बात कही होगी। असल में ये इकामू ये मुमकिन है कि उस दौर का जो बादशाह था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो दकियानूस या कोई और है, तो उसके दरबार के अंदर जब उस उनको पेश किया गया ना कि ये ऐसे बंदे हैं, ऐसी जमात है कि जो नया एक मजहब लेकर आए हैं या हमारे इलाहों का और हमारे जो इस शिरक का रद्द करते हैं, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारा रब तो भी वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम तो इसके अलावा किसी को इलाह नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हम कहेंगे तब तो हम बहुत ही ज्यादती वाली हद से गुजरने वाली बात कहेंगे। ये उन्होंने तौहीद का ऐलान किया। अब देखें इससे तो एक बात ये भी साबित होती है, एक तो है ना कि अपने अकीदे का उन्होंने इजहार किया, एक जो बातिल अकीदा था उसका उन्होंने रद्द भी किया है। ठीक है, यानी नफी और इस बात दोनों को जमा किया है उन्होंने। जी हाउला ये लोग कौमुना हमारी कौम इत्तखज़ू मिन दूनी ही इलाह उसके अलावा इन्होंने बना लिया है एक माबूद लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन
और लौला अगर ना आती उन पर कोई खुली दलील या वाजह दलील, क्यों नहीं लेकर आए वो, अच्छा क्यों नहीं लेकर आए वो उस पर लेकर वाजह दलील, आते क्यों नहीं पेश उन पर करते। फमन मैं नहीं, अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कज़िबा, तो बस कौन उससे बड़ा जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। वमा ये यअबुदून झूठ बांधना इल्लल्लाह, महलन महलन या शेख महलन ये झूठ बांधना मुराद क्या है कि ये शिरक की बात करते हैं, इनके पास इस शिरक के ऊपर रब ताला की तरफ से कोई बयान कोई दलील नहीं है और ना ही अल्लाह ने इस पर कोई दलील उतारी है। तो फरमाया कि जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, यानी अल्लाह के अलावा किसी के साथ माबूद का इस बात करता है, वो बहुत बड़ा जालिम है। जैसे इन शिरक अल जुल्म अजीम है ना, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है दुनिया में। जी वह अतज़ल्तुमूहुम, और जब उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार की, वमा यअबुदूना नहीं, इल्लल्लाह, उन्होंने और नहीं, वही नहीं वो, इज़ल्त जल्द जब तुमने, अच्छा तुमने उनसे, अफवन, जी, वमा यअबुदूना, और नहीं वो इबादत करते, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, वो नहीं, बस तुम पनाह वही पकड़ो। इज़्तेअ'तज़ल्तुमूहुम, और जब तुमने उनसे किनारा कशी इख्तियार की, हाँ जी, वमा यअबुदूना इल्लल्लाह, और नहीं वो इबादत करते मगर अल्लाह की, ये उन नौजवानों की बात हो ना शेख, हाँ जी, वो बस तुम पनाह पकड़ो, इलाल कहफी, उस गार में, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन, यंशुर लकुम कोई, यंशुर निकाल देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब, मिन रहमती ही अपनी रहमत में से, नहीं वह खोल युहैयी देगा, लकुम, नशर का मतलब होता है खोल देना, नशर करना ना, सही यानी है, फैला देगा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत में से कुछ हिस्सा। वह युहैयी लकुम मिन अम्रिकुम मिरफका, हैया युहैयी, और कुवत बख्शेगा और तुम्हें, मुहैया कर देना ना, मुहैया होता है ना, आइया सही, मुहैया कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में कोई रास्ता आसानी। आसानी। हाँ जी, वतर शम्स इजा तलात, और तुम देखोगे सूरज को जब तुलू होता है, तजावरु अन कहफिहिम जात अल यमीन, तजावरु अन कहफिहिम उनके घर के जात अल यमीन, घर घर उनके घर के दाएं तरफ, तजावरु शेख मतलब, जावरू वो किनारा किनारा करता है, किनारा करता है उनके घर के दाएं जाना, वाइजा करापत तकरीदुहुम जात शिमाली वहुम फी फजवत मिन, और जब गुरु होता है तो तकरीदुहुम जात शिमाली बाएं जानब झुक जाता है शेख, उनके हाँ यही किनारा कर जाता है, उसका मतलब यही है। वहुम फी फजवत मिन, और वो इस हाल में के वो फी फजवत मिन, उस फजवत मिन उस गार के कुशादा जगह में थे। हाँ शादा जगह में, ज़ालिका मिन आयात अल्लाह, ये ये अल्लाह की अपना आयात, ये इस आयत के अंदर उनकी गार की कह लें कि महल बताया जा रहा है कि उनकी गार की हैयत क्या थी। गार की सिमत इस तरह की थी कि वहां पे सूरज की रोशनी, तेज सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। इस यानी तकरीबन उस उनकी जो गार का मुंह था वो शुमाल की तरफ था, इस एतबार से उनके ऊपर तेज जो शुआएं थी ना वो नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो इस वजह अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है, क्योंकि ज्यादा रोशनी पड़ने से आपके जिस्म जलते हैं, और एक बंदा पढ़ा ही रहे 309 साल तक, 309 कम से कम 309 गर्मियां उन पर आएंगी, और शदीद धूप की वजह से उनके जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी सिमत इस तरह रखी है कि सूरज उन पर तेज धूप के साथ नहीं पड़ता था, और उनकी गार भी कुशादा थी कि जिसके अंदर हवा की क्रॉसिंग हो सकती थी, बिल्कुल तंग गार नहीं थी कि जिसके अंदर हवा की क्रॉसिंग मुमकिन ना हो। क्योंकि आप जानते हैं 7 नौजवान एक छोटे से कमरे के अंदर पड़े रहे ना, तो बदबू से बदबू पैदा हो जाती है। तो और अगर उसके अंदर हवादार ना हो कमरा,
हवादार हो, खुला होगा तो सात नौजवान या सात नौजवान या छह नौजवान जितने भी होंगे, तो वो कमरे के अंदर बदबू पैदा नहीं होगी, माहौल खराब नहीं होगा। जी, जी गाली का जालिकम मिन आया आया। तो जी, ये अल्लाह की निशानियों में से है। मैयाहतिल्ला वहुवल मुहतद, जिसे अल्लाह हिदायत दे बस वो हिदायत याफ्ता है। मैं यू दलील, और जिसे वो गुमराह कर दे फलन तजिद लहु वलीयम मुर्शिदा, तो तुम हरगिज नहीं पाओगे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला दोस्त। ये गार कहाँ मौजूद है इसके जी बारे में जी कई एक अकवाल पाए जाते हैं। कोई कहता है जी ये अंदलुस के शहर ग्रनाता के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर कोई गांव काफी है। सामने कोई कहता है कि ये फलाई फलस्तीन में ईला के करीब कोई बस्ती है, वहां पाई जाती है। और कोई कहता है कि ये शाम के अंदर एक गार है। कोई कहता है कि ये दिमश के गिर्दोनवा के अंदर कोई गार पाई जाती है। कोई कहता है कि ये अंदलुस या कस्तुनतुनिया के गिर्दो नवा में कोई गार मौजूद है। फर्क अब इस बारे में बहुत से अकवाल हैं। कोई तुर्की भी कहता है, तुर्की के शहर है कफसूस या अफसूस, उस ये पे तो हमने कहते पोलन हैं नहीं खाया, ये शार्ट मौजूद खाया था है। कि ये तो बाहर के अब इस बारे में कोई हम बिलजज़म कोई बात नहीं कर सकते, और ना ही हमें इस चक्कर में पढ़ना चाहिए। हमें तो जो सबक दिया जा रहा है ना, वो सबक लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ये साहिल अदीम जैसे लोग इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये गार कहाँ मौजूद है। जनाब सूरत बुरूज का साइंसी पस मंज़र क्या है, यानी ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला उससे सबक क्या देना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी साइंसी मालूमात, जितनी भी जुग्राफियाई मालूमात, जितनी भी तारीखी मालूमात जिक्र की हैं, उससे सबक दिया है। बस वो सबक क्या है, तौहीद का दरस है, वो सबक सुन्नत का दरस है, वो सबक इस्तकामत सबर का तरस है। इससे जायद अल्लाह ताला ने मतलूब कुछ भी नहीं किया। हाँ, अगर कोई ये सबक लेकर उससे साइंसी मालूमात आखिर अखज करना चाहता है तो क्या बात है, तो ठीक है। भी जो जिद्दत पसंद कुछ लोग वो भी हैं, कहते हैं जी इस पुराने पाक से तो मुसलमानों ने फायदा ही नहीं उठाया, पुराने पाक से तो फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया है, गोरों ने उठा लिया है, कि उन्होंने जनाब कुरान पाक से ये चीज़ ईजाद कर ली, ये उससे फलां सूरत से उन्होंने ये चीज़ अखज़ की है, ये चीज़ दरियाफ्त कर ली है। भाई कुरान पाक का जो मुद्दा है वो है हिदायत, हुदल्लिन नास, हुदल्लिल मुत्तकीन। ये हिदायत नहीं ली उन्होंने तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। सारा कुछ भी वो हासिल कर लेना, हिदायत उसमें से नहीं लेंगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, एक और ये सवाल अच्छा कर दिया गौर व फिक्र का। अफला ये तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा। कुरान में तदब्बर का मतलब क्या है? तदब्बर तो सब ने करना है ना। ये तदब्बर का जो हुक्म है ये सबको हुक्म है, ये मुसलमान को भी है, काफिर को भी है, पढ़े लिखे को भी है, अनपढ़ को भी है, सबको तदब्बर का हुक्म है। तो तदब्बुर करना किस चीज के अंदर है? तदब्बुर करना है कि कुरान पाक ने किन किन तौहीद पर मबनी आयात और निशानियों को बयान कर दिया है, उनके अंदर तदब्बुर करना है, कि उन आयात के अंदर तदब्बुर करके रब ताला को पहचानो, उसकी मार्फत हासिल करो। असल तदब्बुर ये है, बाकी जो है वो तदब्बुर नहीं है, वो दूसरी चीजें जो है गौर व फिक्र, जो वो तदब्बुर मतलूब नहीं है हमसे। अगर कोई साइंसी मालूमात, कोई जुग्राफी मालूमात अगर कोई लेता है तो ये अगर उससे जायद चीज है, ठीक है, वो मखलूक खुदा की खिदमत के जज्बे से अगर कोई ऐसा करता है उसको नेकी जरूर मिलेगी, लेकिन ये वो समझे कि उसने तौहीद व सुन्नत की सेंस के अंदर तदब्बर नहीं किया, और बाकी सारा कुछ उसने ईजाद भी कर दिया ना, जो भी इस कुरान पाक की मालूमात मौजूद है कुरान पाक के अंदर, वो सारी ईजाद भी कर ली ना उसने, दरियाफ्त भी कर ली, अगर उसने तौहीद का सबक इससे नहीं लिया तो उसने कुछ भी नहीं, उसने गौर व फिक्र कुरान में नहीं किया। तदब्बुर क्या है? तदब्बुर का मतलब है कुरान पाक के अंदर मौजूद जो तौहीद के दलायल हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, अल्लाह को पहचाना जाए। जी बिल्कुल, कायनात में भी गौर व फिक्र का
यही मतलब है। कायनात में गौर व फिक्र का अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा कि फी अनफुसिकुम, अपने अंदर भी गौर करो, हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने निशानियां छोड़ी हैं, तुम्हारे वजूद की निशानियां हैं, जानवरों तक के अंदर निशानियों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, पहाड़ों का, दरियाओं का, समंदरों का, ये सारी निशानी अल्लाह ताला ने बयान करने का मकसद ये है कि उसकी तौहीद और उसकी उसके गलबे को पहचान लो, हमेशा उससे डर के रहो। ठीक है, असल वो है मकसूद। अगर इससे जायद अगर कोई चीज अगर अफस कर लेता है तो क्या ही बात है, वो तो जायद है ना, कहने का मतलब ये है कि ये कह देना, ये कह देना कि फलां बंदे ने अगर कोई साइंसी इजाद इस कुरान की आयत से या हदीस से ले ली है या इजाद कर ली है, ये कह देना तो उसने इसका हक अदा कर दिया है, तो उसने हक उस वक्त तक अदा नहीं किया जब तक कि उसके मुताबिक अकीदा या अमल नहीं रखेगा। जी जी बाकी ये कि इस चक्कर में नहीं जाना चाहिए कि ये कहफ, ये गार कहाँ मौजूद है। ठीक है, अगर जाना भी है तो फिर उसको तखमीने के तौर पर जिक्र किया जाना चाहिए, बिलजज़म ये कह देना कि ये गार यहाँ मौजूद है, और बाज़ मुल्हिदीन तो बकायदा उसको तय कर देते हैं कि ये यही गार मौजूद है, और हमें बिल यकीन है, जबकि उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता, कोई सबूत भी नहीं होता। जी तहसबहुम, और तुम उन्हें गुमान करते हो कि जागे हुए जबकि वो सोए हाँ जी, सोए हुए, राकेत की जमा है रुकूद। वनुकल्लिबुहुम, और हम उनके करवटे बदलते हैं, जात अल यमीन दाएं जानब व जात अल शिमाल बाएं जानब, व कल्बुहुम बासितुन, और उनका कुत्ता जो है पिछाए फैलाए हुए है, जिरा आई ही अपनी जिरा बाजू या बाजू बिल वसीद वसीद शेख मोहतरम तहलीज नहीं होती, तहलीज तहरीज गार के मुंह के लवि ऊपर जो है ना वो। तरात अलैहिम। जी अगर आप को उन पर मुतला कर दिया जाए, लवल नहीं था नहीं, तो लवि आप तला था, अगर आप फिर लवि तला था अलैहि, अगर आपकी आँख की नजर पड़े अलैहि उन पर, लवि तला था अलैहि, अगर आपके सही ऊपर नजर पड़े लवल्लैत मिनहुम, तो आप उनकी उनसे पीठ फेर जाएंगे, फिरारन भागने के लिए। फिरारन यहाँ मफूल लहू है, ठीक है, लिल फिरार यानी भागने के लिए, जैसे बंदा पीठ फेरता है ना, तो ऐसे वाला मूल सही इतामिन हमरोबा, और उनको देखकर आप डर और खौफ से भर दिए जाएंगे, यानी आप चलो। उनका फिरारन आप क्या है यहाँ पे, फिरारन जी क्या है यहाँ पे, फिरारन यहाँ मफ़ऊल लहू है, सही ठीक है, यानी भागने के लिए आप पीठ फेर लेंगे। अच्छा, यहाँ जरा समझे ये बात, वतहसबु अयकादुहुम रुकूद, आप उन्हें जागा हुआ यानी बेदार महसूस करेंगे जबकि वो सोए हुए होंगे। ये क्यों बेदार महसूस करेंगे, हालांकि बंदा सोए हुए को बंदा सोया हुए समझता है, तो इसकी वजह बाज़ ये बताते हैं कि उनकी आंखें खुली हुई थी। ठीक है, जैसे इंसान की आंख खुली तो बंदा कहता है ये तो जाग ही रहा है, बल्कि कई बार उसकी आंखों के सामने हाथ भी हिलाकर देखता है कहीं ये वाकई जाग तो नहीं रहा। अच्छा, एक तो वजह ये बयान की जाती है, दूसरी कहते भी वो करवटें इतनी इतने इस तरह बदलते थे कि जिस तरह आप एक आदमी सोया हुआ हो और वो इतनी करवटें बदलता हो, बंदा सही समझता है ये जाग ही रहा है, यानी इसने आंखें मिची हुई है, झूठा झूठा सो रहा है, ये इतनी करवटें बदल रहा है कि गोया कि ये जाग ही रहा है, इसकी पूरी तरह इसके ऊपर नींद ने गलबा नहीं पाया, तो बाहर के कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उन्हें जाहरी तौर पर जागा हुआ ही महसूस करेंगे, लगता तो वो सोए हुए थे। आगे है, आगे फिर अल्लाह ने वजह भी बता दिया कि साथ दाएं बाएं उसकी करवटें हम खुद ही तब्दील करते थे, क्यों बदलते थे, ताकि उनके जिस्म मट्टी के साथ गल ना जाए, यानी एक ही जगह पर अगर पड़े रहेंगे तो मट्टी के साथ लगने की वजह से या पत्थरों के साथ लगने की वजह से नुकसान पहुंच सकता था, और वो अल्लाह ताला ने इसलिए उनकी करवटें तब्दील करवाई
ताकि उनके जिस्म को हवा लगती रहे। अच्छा आगे है, कुत्ता उनका पांव फैलाया। अब ये कुत्तों की कुत्ते की फजीलत भी बयान की जाती है, हालांकि ये महज अल्लाह ताला ने ये खबर दी है कि ये कुत्ता जो उनका उनके साथ उनका कुत्ता था, तो ये कुत्ता कोई इतना ये इज्जत एहतराम वाला कुत्ता थोड़ी था। ठीक है, कई लोग सगे मदीना के सबूत के ऊपर इस आयत को दलील पेश के तौर पर पेश करते हैं, सुभान अल्लाह, और ये कहते हैं कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा, कि जन्नत के अंदर चंद जानवर जाएंगे, उनमें से एक कुत्ता ही होगा। तो ये बिल्कुल बातिल बातें हैं, झूठी हैं और बेबुनियाद हैं। ये लोग समझ नहीं आती कि नबियों की शान में तो जो लोग ये गुलू करते ही तो करते हैं, शेर के मोहतरम ऐसे अचानक ये एक बात दिन में आई है, माफ माफ कीजिएगा, इस तरह तो फिर जिन गधों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी फरमाई है तो फिर तो वो तो बिल औलाद जाने चाहिए फिर सारी सारे के सारे जन्नत जी में। बिल्कुल। अगरचे हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जिस भी गधे के साथ यह लगा है उसकी इज्जत एहतराम है, क्योंकि वो उस वजह से है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा है। ये तो ठीक है, ये तो बात मानने वाली है, लेकिन जन्नत में जाने की ये कोई बात हुई? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेंढा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुद अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या बात हुई? तो ये सिर्फ एक गुलू का नतीजा है। जब बंदा किसी भी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देता है ना, तो फिर वो इसका शिकार होता ही होता है। तो लोगों ने फिर क्या हुआ, अब देखें, ये तो सहाबे काफ के कुत्ते थे ना, लोगों ने क्या क्या किया है, अपने जो पीर है ना, पीरों की बिल्लियों तक के मुतल्लिक उन्होंने गुलू का शिकार हुए हैं। पीरों की बिल्लियाँ, ये पीर साहब की बिल्ली है, ठीक है, और ये गैब जानती है। बाज ने तो लिखा है, बाज अनफियों ने, कि फलां पीर की जो बिल्ली है वो भी गैब जानती, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो ये कुत्ते के मुतल्लिक के बस इसको कुत्ता ही रहना चाहिए, इसके बारे में मुजम्मत या मदा के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कुत्ते का जो मुकाम होता है वो ही है, ठीक है, ये गैर मुकल्लम मखलूक है, इसको मुकल्लम बना के जन्नत के अंदर पहुंचा दें, ये तो बहुत ही अजीब बात है। अच्छा आगे फरमाया कि लवित तला तलेम लवल्ले तमिनु फिरारा, अगर आप उस पर, अब ये या तो मुखातब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या हर वो शख्स मुखातब है कि जो भी उस पर इतला पाएगा। कि बाज तफसीर के अंदर ये लिखा है ना कि लवित तला ता अयुहल मुशाहिद अलैहिम, ठीक है, तो अगर आप उन पर इतला पाए, मतलब भी आप उन पर झांकें, उन पर नजर पड़े, तो आप उनसे खौफ खाते हुए हर यानी खौफ और हैबत तारी होने की वजह से आप वहां से पीठ फेर कर भाग जाएंगे। इसकी वजह है कि वो मंजर ही ऐसा अजीब सा बना हुआ था कि एक उजाड़ बियाबान के अंदर, जहाँ पे कोई चरिंद परिंद उनको नजर नहीं आता, वहां पे एक कुत्ता बैठा हुआ है जो पहरा दे रहा है और बिल्कुल सन्नाटा है और नौजवान लेटे हुए हैं। हाँ, वो वैसे तो एक बंदा जब फौरन वहां पे झांकता है, ऐसी ऐसा मंजर देखता है, तो वो कहता है शायद ये कोई बैरूनी मखलूक है, ये तो इंसान हो ही नहीं सकते, इंसान इस तरह की खौफनाक जगह पे कैसे लेट सकते हैं, और इतने कह लें कि इतनी बेतकल्लुफी के साथ लेटे हुए हों, वहां पे तो कोई भी चीज नुकसान उनको पहुंचा सकती है, तो इंसान डर जाता है, इसलिए इस वजह से ये बयान फरमाया, बाकी कोई इसकी और मजीद वजह नहीं है। हाँ जी, पढ़िए जी। फरा कलीम साहब पढ़िएगा, पढ़ जी, अपन गाता वगैरह रहे, था। ठीक है ठीक है। असल में ना ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आधी सूरत मैंने बड़ी खुशी लाने से याद की हुई है, पता नहीं क्यों इसलिए दिल कर रहा था। ठीक है पढ़े हाँ आप, चले, आपका दिल कर रहा है तो हम कैसे रोक जी, सकते हैं आप? अफ़्रंज़दार बैनहुम, और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि वो आपस में सवाल करें। कौल कायलुम मिनहुम, तो कहा उनमें से कहने वालों ने, कम लबिस तुम कितना मतलब सोए रहे, कितना अरसा सोए रहे। कालू, उन्होंने कहा, लबिस ना, हम सोए रहे, यौमन औ बाद यौम,
एक दिन या कुछ हिस्सा दिन का। कालू, उन्होंने कहा, रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है जो तुम सोए रहे, जितना तुम सब। ठहरे। वबअसू अहदकुम, जी जब यहां देखें बास नाम हमने उनको जगाया आया, तो उनके नींद के बाद उनको जगाया ताकि वो एक दूसरे से पूछें। अब दोनों सारे आपस में एक दूसरे पूछने लगे, हम कितनी देर सोए हुए हैं, कितना अरसा हो गया हमें इधर। एक ने कहा कि आप तो हम कुछ ने कहा कि हम एक दिन सोए हैं, और बाज ने कहा कि हम कुछ दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। अब उनका ये फैसला बिलाकर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें तो नहीं पता, जब ना उसके पास घड़ियां थी ना कोई सूरज की कोई इस तरह की सिस्टम था, कहते भी अल्लाह ही जानता है कितना सोए हैं, हमें भी नहीं पता। लेकिन ये कि उनको फिर भूख महसूस हुई, ठीक है, जो उनके पास जमा पूंजी थी वो उन्हीं के पास मौजूद थी, कुत्ता उनका सामने बैठा हुआ था। इस वजह से ये गुमान ही नहीं हो सकता था कि वो इतना अरसा सो चुके हैं, 309 साल जिस तरह के आगे आएगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने उनसे एक अल्लाह ताला ने उन पर ये रहमत फरमाई है कि इतनी देर वो सोए हैं, और ये उनकी करामत है, इसको करामत के तौर पर पेश किया गया है। जी फिफ्टी थाउजेंड कौन क्या दूंगा हाँ ये नहीं आया है? हाँ? ना, ये नहीं आशिक में तो पढ़ू ना, जी जी पढ़े। आयो तुसी इधर अंदर आयो, इन्हें मैं देना 50,000। फबासु अहदकुम फबअथु अहदकुम बिवारिकिकुम हाजिही, तो तुम में से कोई उठे एक इस रकम के साथ, या चांदी, चांदी फबासु तुम के भेजो, बबासु भेजो तुम आप। भेजो अहदकुम अपने में से किसी एक को। नहीं, कुछ ने कहा कि हम हमें चाहिए कि हम अपने में से किसी एक को भेजें। बिवारिकुम हाजी ही, इन चांदी के सिक्कों को देकर, ये चांदी के सिक्के देकर भेजें हम अपने में से किसी शख्स को, इलल मदीनती, मदीना की तरफ, शहर की तरफ। अब ये शहर कौन सा था इसके बारे में, जी जी, ये शहर कौन मैं सा तो था, पढ़ने इसके लगा था नाम के अंदर भी जी। अक्सुस कहते हैं कोई, अक्सुस कहते हैं कोई, वल्लाहु आलम इसका नाम क्या है, ये तारीखी बातें हैं महज। अच्छा, उसको भेजो ये सिक्के देकर, ये करेंसी देकर, फलयंतुर अय्युहा अज़का तआमन, वो गौर व फिक्र करे, जायजा ले कि अय्युहा अज़का तआमन के खाने के एतबार से ज्यादा अच्छा होटल कौन सा है। देखें उम्दा खाना, यानी उनकी फितरत और बड़ी नफीस थी कि वो कहते थे गंदा बंदा होटल से नहीं खाना लेकर आना, अच्छी जगह से खाना लेकर आना है। अज़का तआमन, वाला पूरी तरह जायजा ले कि खाना किसका अच्छा है। जी जी وبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا। ये जो वाले दिन असल में मैं तिलावत करता हूँ ना, अब मुझे मुझे लगता है कि बड़ा मैंने आपको हॉस्टिंग से पहले हो भी रहा है मुझे लगता है तो मैंने आपको पहले भी अब डिस्टर्ब कर दिया था, पहले भी लगाने लगे थे ये तर्क। वो मुझे परसों से आपने शेख मोहतरम कर दिया, उसके ये जो है साबित नहीं है, मैं क्यों यार फिर क्या करें अब इसको, वो इतना अच्छा लुत्फ अच्छा आता आप था। इस सूरत कहा की वाले थे, वो मैंने आपको वो जवाब भी देना था, मैं इंशाल्लाह देता हूँ व्हाट्सएप पे ना, बस वो मेरे जी पास वो लैपटॉप नहीं था, 2 दिन मसरूफ ही रहा हूँ। जी वलिया ताला तफ, और चाहिए कि नरमी इख्तियार करे, वला युशिरन, और किसी को हरगिज शऊर ना हो बिकुम तुम्हारा, या वलिय पता ना तलत्तुफ, चले। नहीं नरमी, नरमी नहीं, यहाँ वलिय तलत्तुफ का मतलब यहाँ होगा कि वो पहले के इसे ना कहते बारीक बीनी से, नरमी की बजाय यहाँ बारीक अच्छा बीनी, यानी राजदारी के साथ वो जाए, किसी को पता ना चलने दे कि भी हम वही हैं कि जिनको जो छुप कर भागे हुए हैं। उन्होंने तो ये समझा था शायद ये वही दौर चल रहा है और वही दिन चल रहे हैं, जी
वही दिन सही चाह रहे हैं, सही सही पर ये तलक तो वो बड़ी राजदारी के साथ जाए। वाला जी युशीरन बिकुम, और किसी को तुम्हारा पता ना चले, आहदा किसी को, आहदा यानी किसी को, किसी को भी, इन्नहुम वला युशायरन बिकुम, और ना शऊर हो खबर हो किसी को भी तुम्हारी। इन्नहुम बेशक वो, अगर इन यजहरू अलैकुम तुम पर गलबा पा गए, गालिब आ गए, यरजुमु तुम्हें यरजुमु कैद कर यज़हरू देंगे, अलैकुम का मतलब है तुम पर वो गलबा पाना, तुम पर वो इत्तला पा लेंगे, यानी उनको तुम्हारी खबर हो गई ना ये बंदे यहाँ छुपे हुए हैं, वो तुम्हें मारेंगे। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम, अगर वो तुम पर इत्तला पा लेंगे, क्या इत्तला पा लेना, वैसे तो है कि इसको कब्जा कर लेना किसी के ऊपर, गलबा पा लेना, लेकिन यहाँ चूंकि गलबा तो उनके पास पहले भी था, तो अगर उनको पता चल गया तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारा मुहासरा कर लेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। यौजुमुकुम, वो तुम्हें मारेंगे, ठीक है, पत्थर मारना इसे कहते हैं। औ यईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या फिर औ या लौटा देंगे तुम्हें फी मिल्लतिहिम अपने दीन पे, अपने हाँ जी, दीन में, वलन यानी वो तुम्हें तुफलिहु, मजबूर और करेंगे, तुम्हें मजबूर करेंगे कि या तो तुम्हें क्या पत्थर लगेंगे या फिर तुम्हारी अपनी मिल्लत में दोबारा लौट आओ, जिस मिल्लत को तुम छोड़ चुके हो। ना, तो दो ही रास्ते होंगे ना हमारे पास फिर, या तो हम अपने आप को अपनी जान की बाजी लगा देंगे या फिर उनकी मिल्लत में लौट जाएंगे। तो भाइया ने जो वलन बताया तुफलिहु अब इजन अबदा, ना, तब तुम बिल्कुल भी फला नहीं तेरी पाओगे, यानी कत्ल होना तो के अंदर कामयाबी है, लेकिन तुम अगर मिल्लत में लौट जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई कामयाबी नहीं। जी भाई, जी शिफार कल फिर शेख मोहतरम, अब मैं जरा कुछ काम पेंडिंग थे, जी कोई बहन भाई पढ़े। जी फरा क्लीम साहिबा पढ़िएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका आसरना, और इसी तरह आसरना हमने बता दिया अलैहिम ऊपर उनके, लियालमु ताकि वो जान ले, अन्ना कि बेशक वादा, अन्ना वादा बेशक वादा, अदल्लाही अल्लाह का वादा, हक हक है, वा अन्ना साआता और बेशक कयामत की घड़ी, ला रेब फीहा नहीं कोई शक इसमें, इस अब ये देखें, अल्लाह यतनाज़ा। ताला ने, अल्लाह ताला गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने ये वाक़े को तसलसल के साथ बयान नहीं किया, बल्कि इसमें से जो जो सबक मिलते थे अल्लाह ताला साथ साथ देता जा रहा है, ठीक है। वकदालिक आसरना अलैहिम, हमने उन पर इत्तला दे दी, यानी इलाके के लोगों को पता चल गया कि ये तो बड़ा कोई वो लोग हैं कि जो हमारे इलाके के भी नहीं है, और यानी बता दिया गया उनको, इतला दे दी गई, अल्लाह ताला की मंशा यही थी। वो तो इरादा करते थे कि हमें हमारा पता ही ना चले किसी को, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसरना, हमने इतला दे दी अलैहिम उन पर खबर, यानी उन पर आगाही दे दी हमने लोगों को, ताकि वो जान जाए कि अन्न वाद अल्लाह हक, कि अल्लाह का वादा हक है। कौन सा वादा? अल्लाह ताला का दोबारा जी उठने का, अल्लाह ताला की एक निशानी उन पर जाहिर हो जाए कि अल्लाह ने इनको दुनिया के अंदर 309 साल जिंदा जिंदा इनको महफूज रखा है, सोए हुए थे इनको महफूज रखा है, इनको गलने सड़ने नहीं दिया, अल्लाह ने 309 साल के बाद दोबारा उठा लिया है। तो अल्लाह ताला ने एक छोटी सी निशानी उन लोगों को उस पर इत्तला दी है कि ये देखो, ये जो तुम कहते हो ना कि दोबारा कौन उठाएगा, तो वही उठाएगा जिसने 309 साल तुम्हारे सामने, ये वो लोग हैं कि जो 3 सदियों के बाद उठे हैं। तो 3 सदियों, अब हालांकि वो लोग जाहिर है मशहूर होंगे, क्योंकि पीछे है ना कि असाबुल काफी वर रकीम, कि ये वो लोग थे जो तख्तियों वाले थे, कि जिनकी तख्तियां बना के, जिनकी कह लें तख्तियां बना के लगाई गई थी कि ये सफ़े हस्ती से गायब हो चुके हैं, ये लोग उनको मिले ही नहीं है। अब वो लोग चूंकि नस्ल दर नस्ल 300 साल की खबर, तो जब पता चली कि ये तो वही नाम है और इसी नामों के लोग गायब हुए थे, अब ये जिंदा हैं,
अब ये एक अल्लाह ताला ने बतौर निशानी, और ना इनके ऊपर बुढ़ापे के निशानात हैं, ना इनके ऊपर कोई कोई और नुकसान के निशानात हैं, ये बिल्कुल सही सलामत हैं, गोया कि ये हमारे ही अंदर मौजूद थे, हमारे अंदर हालांकि है नहीं थे, ना हमने इनको पैदा होते देखा, ना हमने इनको बड़ा होते देखा, ना इनको नौजवान होते देखा। तो ये सारी चीजें ताकि अल्लाह ताला चाहते थे कि हम इनको दिखाएं, समझा दें कि ये जो पास बादल मौत का अकीदा है ये बिल्कुल सही अकीदा है, वन सात अल्लाह रही वफिया, और क्यामत के अंदर के जिसके अंदर सबने जी उठना है इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी दलील क्या है कि ये 309 साल के सोए हुए बंदे हमने तुम्हारे सामने ला खड़े किए। जी इज यतनाजऊना, जब वो झगड़ रहे थे बैनहुम आपस में, अमरहुम अपने मामले में, फकालु बनु अलैहिम, तो उन्होंने कहा बनाओ इन पर बुनियाना एक इमारत, रब्बहुम आलमु बिहिम, इनका रब ज्यादा जानता है इनको, कौल लजीना, कहा उन लोगों ने, गलबू जो गालिब थे, अला अमरहिम इनके मामले पर, लनत्तखिज़न्ना, अलबत्ता हम जरूर बनाएंगे, अलैहिम उन पर मस्जिदा एक मस्जिद। तो इसकी ताबीर के अंदर ना इसकी शेख मंत्र में एक सवाल ये है कि इनको पहचाना कैसे, जो सिक्का देकर भेजा था बाजार में उसके जरिए इनको पहचाना कि ये पुराने लोग हैं या कोई और रीजन थी? जी जी बिल्कुल, इसी तरह पहचाना गया होगा ना। तो बाज ने देखे मुफस्सरीन इस बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कुछ कहते हैं कि सिक्के से पहचाना गया, कुछ कहते हैं कि उनकी जुबान से पहचाना गया कि उनकी जुबान बदल चुकी थी, ठीक है। कुछ कहते हैं कि जब देखा ना इन्होंने भी, ये तो सारा तौर तरीका ही बदला हुआ है, इतनी तरक्की हुई हुई है, तो वो तरक्की थी और क्या उसे कहते हैं वो रास्ता भूल गया, रास्ता भूलने की वजह से उसको पकड़ लिया गया, और पकड़ा गया तो जब उसकी तफ्तीश हुई कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा हम तो इस गार से आए हैं, हम तो सोए हुए थे। तो ये सारी तफ्तीश करने के बाद फिर सारा मामला ना वो जाहिर ये हुआ कि ये तो पुराने बंदे हैं, और फिर ये जाहिर है उन्होंने अपनी तारीख खंगाली। तारीख हर दौर में याद रखे महफूज रही है कुछ ना कुछ, हाँ उसमें जरूर है छेड़छाड़ तो होती रही है, लेकिन तारीख तो महफूज रही है ना, तारीख तो हर दौर में लिखी जाती रही है, उसमें कुछ कभी कुछ जाया हो गया, कभी कुछ बच गया, हर कौम की हर इलाके की तारीख कुछ ना कुछ महफूज रही है। तो इस एतबार से उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके इतला पा ली गई। हम इसमें किसी भी तरह से कोई बिलजज़म बात इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई अथेंटिक वजह नहीं है, बस अल्लाह ताला ने उनको इतला दे दी है। अब इतला कैसे दी है, क्यों दी है, क्यों दी, ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि हमारा उसमें मकसद क्या था, इतला कैसे दी है अब इसका हमें अथेंटिक वजह इसकी मालूम नहीं है। और मैं क्या बात कर रहा था, अब अच्छा फिर ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने जब ये देखा ना कि ये तो पुराने लोग हैं, अब जिस उस वक्त जिनकी हुकूमत थी ना, जिनकी हुकूमत थी, जिनका गलबा था, काल लदीना गलबू अला अमरीहिम, जो अपने मामले पर, इनके मामले पर गालिब आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम इन पर मस्जिद बनाएंगे, यानी उनकी उनका जो सिक्का चलता था, जिनका जिनकी हुकूमत थी, उन्होंने, अब उनका अकीदा कैसा था इसका जिक्र अल्लाह ताला ने नहीं किया, उन्होंने क्या कहा हम इन पर मस्जिद बनाएंगे, यानी इनकी जब वफात हो गई, अब ये मामला दरम्यान में बिल्कुल निकाल दिया गया है, बाद में वो कैसे फोत हुए, यानी जो सबक था अल्लाह ताला ने वो दे दिया है कि लोगों को अल्लाह ताला एक निशानी जाहिर करना चाहता था कि हम 300 साल तक अपने इन बंदों को सला सकते हैं, तो हम भी दोबारा जगा सकते हैं। बाद में जब वो फोत हुए तो इन हुकूमत के लोगों ने कहा था कि ये तो बड़े हस्तियां हैं, बड़ी ये पहुंची हुई सरकारें हैं, तो हम इनके ऊपर मस्जिदें बना देंगे, ठीक है, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इन पर मस्जिदें बना देंगे, और ताकि हम इनकी कब्रों के पास जाके जो है ना अल्लाह
अल्लाह की इबादत कर सकें। ये अल्लाह की इबादत के लिए इन्होंने मस्जिदें बनाई थी, जिसको जिससे हमारे बाज मुशरिकीन जो शिरक के को जवाज़ फराहम करने के लिए, कब्रों पर कुब्बे बनाने के जवाज़ को फराहम करने के लिए वो इस आयत को दलील के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि इसका कोई पता नहीं है कि इनके अकीदे कैसे थे। यकीनी तौर पर इनके अकीदे सही अकीदे नहीं थे, बल्कि ये नबियों की तालीम को बुला चुके थे और कब्रों के मामले में गुलूब का शिकार हो चुके थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है ना कि जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था किताबो तौहीद के अंदर के लान अल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाहि मस्जिदा या मसाजिदा, बुखारी वगैरह की रवायत है। जी, और वैसे भी इस जगह पे मस्जिद बनाने से मतलब ये है कि इनके पास मस्जिद बनाना, यानी इनकी कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाना नहीं है, बल्कि इनके पास मस्जिद बना तमीर कर देना, ताकि एक याद के तौर पर ये रहे। ठीक है, जिस तरह पहले यहूदों नसारे के तरीकेकार थे कि वो अपने नबियों की कब्रों पर भी, अपने औलिया और सुलहा की कब्रों के ऊपर के पास भी मस्जिदें बना देते या सजदा गाह वहां बना देते। सजदा गाह मतलब जाए नमाज वहां बना देते, तो यहाँ हम आगे इबादत करेंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा, या इस वली की वजह से हमारा अल्लाह के हुजूर ज्यादा ध्यान रहेगा। आगे फिर अल्लाह ताला ने एक और थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं जो इन्हीं के किस्सों के मुतल्लिक हैं। साबिका के सयकूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम। जी सयकूलून सलासतु राबिउहुम अन करीब, वो कहेंगे तीन थे, चौथा उनका कल्बुहुम कुत्ता था, उनका कुत्ता था। वो यकूलून खमसतुन, और वो कहेंगे पांच थे, सादिसुहुम कल्बुहुम छठा उनका कुत्ता था, रजमन बिल गैब फेंकते हैं बिन देखे। वो हाँ जी, यकूलून सबकुन, ये जो सारी बातें कहते थे ना, ये कुरान पाक ने तो ये बिलजज़म नहीं कहा ना कि कौन कहते हैं कौन नहीं कहते। तो ये अहले किताब जिनके हाँ ये किस्सा मशहूर था, वो कहते थे भी तीन बंदे थे, कोई कहता था चार बंदे थे, पांचवा कुत्ता था, तीन बंदे थे, चौथा कुत्ता था। ठीक है, लेकिन वाकया उनके हाँ ये मुसलमा है, इसकी अल्लाह कुरान पाक ने तस्दीक की है कि वाकया उनके यहाँ मुसलमा था। वो इन चक्रों में पड़े हैं कि तीन बंदे थे या चार बंदे थे, यानी जो उससे सबक लेना है वो नहीं लेते, बस तीन बंदे थे, चार थे, पांच थे, छह थे, सात थे, कितने बंदे थे इसके चक्कर के अंदर वो पड़े। तो ये रजमन बिलगैब उनके अटकल पच्चू हैं, यानी ये गैबी तीर हैं उनके, इसको अटकल पच्चू का नाम दे दें। तो आगे फरमाया यकूलुन सबातुन वसामिनुहुम कल्बुहुम। अब इस चीज को अल्लाह ताला ने रजमन बिलगैब के साथ नहीं मिलाया, इस बिना पर बाज सलफ कहते हैं कि सबातुन ही थे, सबातुन भी थे। जी वयकूलुना सबातुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और उसने कहा जी शेर मैं पढ़ रही थी, सॉरी वो माइक मेरा ऑफ था। वो यकूलून सबअतुन, और वो कहेंगे सात थे, व सामिनहुम, और आठवां उनका कुत्ता था। कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, कह दीजिए मेरा रब ज्यादा जानता है इनकी गिनती। मा यालमुहुम, नहीं जानते उनको, इल्ला कलील, मगर बहुत कम। यानी ये सलफ में से बाज कहते थे, साहबा भी इसमें शामिल है गालबन, वो कहते थे कि ये जो कलील के अंदर मैं भी शामिल हूँ, गालबन अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं ये इस कलील के अंदर के जिनको कलील लोग जानते हैं, मतलब कलील लोगों को पता है कि ये कितने बंदे थे, वो कलील के अंदर कहते हैं कि मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबात उनके साथ रजमम बिल गैब का लफ्ज नहीं। अल्लाहु आलम। वला तुमारी फीम इल्ला मेरा अनतहरा। जी फला तुम्हारे फीहिम इल्ला मिरो अन जाहिरा, तो ना तुम झगड़ा करो उनके बारे में, मगर झगड़ना जरूरी जाहिरी। यानी वला सरसरी सा, तस्तफी, सरसरी सा इनके साथ झगड़ा, इनके बारे में झगड़ा कर सकते हो, बाकी इतना झगड़ा नहीं इनके साथ बारे में करूँ। वला तस्तफी, और ना तुम पूछना फीहिम इनके बारे में, मिनहुम अहदा, इनमें से किसी एक क्या। जी वला ये तकुलन्ना, एक, हाँ जी पढ़िए जी। वला तकूलन्ना, और हरगिज ना तुम कहना, ली शैइन, किसी चीज के लिए, इन्नी फाइलिन, बेशक मैं करने वाला हूँ, जालिका गदा, इसको कल। हाँ जी,
बड़ी आगे आयत भी। इल्ला अय्यशा अल्लाह, मगर ये कि चाहे अल्लाह, वस्कुर रब्बका, और याद करो अपने रब को, इजा नसीता, जब तुम भूल जाओ, वकुल असा, और कह दीजिए उम्मीद है, अय्यहदियनी, के रहनुमाई करेगा मेरी रब्बी, मेरा रब, ले अकरबा, वास्ते ज्यादा करीब के, मिन हाजा रोशदा, उससे रहनुमाई है, अच्छा जरा वलिब यहाँ वलबिस, जरा जरा ठहरिएगा 1 मिनट। और ये मैंने जो अर्ज किया है ना कि मा यालहुम इल्ला खलील, तो ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ही फरमाते हैं कि ये मौजम कबीर तबरानी के अंदर जो है ना इस तरह की कोई रवायत है, कहते हैं कि ये कलील के अंदर मैं भी शामिल हूँ कि इनकी तादाद 7 है, क्योंकि पहले 2 का अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया है रजमन बिल गैब कह के, और अगले तीसरे का अल्लाह ताला ने रद्द नहीं किया। तो अगली बात के वला तकूलन्ना लिशैइन, अब यहाँ इंशाअल्लाह कहने की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ऐ पैगम्बर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको इंशाअल्लाह के साथ मुअल्लक किया कीजिए कि मैं ये काम इंशाअल्लाह करूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ये, यानी मेरा इरादा है, अगर अल्लाह का इरादा हुआ तो ये काम मैं कर लूंगा वरना नहीं कर सकूंगा। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, और जब भी आपको भूल हो जाए तो आप फौरन अल्लाह के नाम का तज़किरा करें। वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लि अक़रब मिन हाज़ा रशदा। तो इस बारे में सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आप मशहूर है सही बुखारी के अंदर, कि उन्होंने फरमाया था कि मेरी जो 100 बीवियां हैं, तो इसके अंदर भी तादाद में भी इख्तलाफ है, कभी कहीं 100 का जिक्र है, कहीं 99 का, बाहर के 100 बीवियां का उन्होंने लौंडियां और बीवियां समेत 100 का, तो मैं उनके पास जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे उनसे एक एक बेटा देगा, तो उसको मैं राह खुदा के अंदर मुजाहिद बनाऊंगा। तो अल्लाह करना ऐसा हुआ, उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा, इंशाल्लाह कहना भूल गए, उनके करीन ने भी कहा कि इंशाल्लाह कह दें तो, लेकिन वो भूल गए, इंशाल्लाह नहीं उन्होंने कहा, तो एक ही बेटा हुआ और वो भी नाकिस, नाकिसुल खल्क जी। तो इसी से फिर ये ज़रूरी है कि मुसलमान को कि जब भी वो काम करने का इरादा करे तो इंशाल्लाह ज़रूर कहा करे, इसको अपनी आदत बना लेना चाहिए। हम अक्सर अक्सर व बेशतर ये चीज़ हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा, इंशाल्लाह नहीं कहते, मैं ये काम ज़रूर करूंगा, इंशाल्लाह नहीं कहते। हाँ ये ज़रूर है, कसम जब खानी है ना, कसम अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा, तो कसम के साथ अगर इंशाल्लाह कह दिया, मतलब अल्लाह की कसम इंशाल्लाह ये मैं काम करूंगा, तो ये कसम मुनअक़िद नहीं होती, यानी ऐसी कसम नहीं है कि जिसकी खिलाफ करने से फिर कफारा लाजिम हो। दोबारा अर्ज़ सुनिएगा कि किस कसम के ऊपर कफारा लाजिम होता है कि जिसके जिसको इंशाअल्लाह के साथ इस्तिस्ना ना किया जाए, मतलब मैं कहूँ इंशाअल्लाह मैं फलां काम करूँगा, अब मेरे लिए अगर तो मैं फलां काम जो है जो काम है वो मासियत नहीं है तो मैं मुझे चाहिए कि मैं वो काम करूँ, और अगर मैं समझूँ कि वो काम मेरे लिए बेहतर नहीं है या गुनाह का काम है तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी कसम को तोड़ दूँ और कसम का कफारा दे दूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ अल्लाह की कसम मैं वो काम इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा तो ये मेरी कसम शरान मुनअक़िद नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर मैंने इस्तिस्ना कर लिया है अल्लाह की मंशा के साथ। तो ये अगर मैं उस कसम का खिलाफ कर दूंगा जानबूझ के कर दूं या वैसे ही हो जाए तो मेरे ऊपर कफारा नहीं पड़ेगा। समझ आ गई जी, पढ़िए जी। वलबिसू फी कहफिहिम 300 सनीन, और वो ठहरे अपनी गार में 300 सनीन साल, वजदादू 9, और वो बढ़ गए 9 साल, जी वो बढ़ गए 9 साल, 9, बस दादू वजदादू वो बढ़ गए ने ज्यादा किया 9 साल, तिसअन 9 साल। अभी इसमें कुलिल्लाहु, अल्लाह ताला ने यहाँ 300 और 9 को अलहदा जिक्र किया, 300 को अलग जिक्र किया, इसकी वजह बुनियादी वजह तो यही सबसे बेहतर मालूम होती है कि 300 साल शमसी
महीने के और 309 साल कमरी महीने के, और आप जानते हैं कि 10 दिनों का डिफरेंस है इनके अंदर, तो उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 309 साल ही बनते हैं। जी कुल अल्लाह हो, कह दीजिए कि अल्लाह आलम और ज्यादा बाज जानता ने ये भी कहा है कि लोगों का आपस के अंदर इख्तलाफ था। कोई कहते थे भी ये 300 साल का पहले का वाक्य है, वो कहते थे नहीं 300 नहीं, ये 309 साल पहले का वाक्य है। तो ये लोगों का इख्तलाफ है या फिर यहाँ ये कमरी और शमसी महीनों का एतबार किया गया, ये सालों का एतबार किया गया है। तो जो कहते हैं ना कि वल्लभी सूफी काफी, नहीं सॉरी, जो कहते हैं ना कि वल्लभी सूफी काफी सलासा मियतिन सनीना, ये अल्लाह का कलाम है। यानी कलाम का मतलब ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ये खबर दे रहे हैं। वैसे तो सारा ये कलाम अल्लाह का ही है, लेकिन ये इसका मुतकल्लम कौन है, अल्लाह है या के ये किसी और का कौल अल्लाह हिकायत कर रहे हैं? तो अगर तो किसी और का कौल हिकायत कर रहे हैं तो फिर मुराद होगा कि लोगों का इख्तलाफ है। अगर अल्लाह खुद कह रहे हैं कि वो ठहरे हैं, अल्लाह की खबर है ये, हिकायत अल्लाह नहीं कर रहे किसी का कौल, तो फिर ये कमरी और शमसी का इख्तलाफ है। आगे जी पढ़िएगा आगे थोड़ा और। अल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह आलमो ज्यादा जानता है, बिमा लबिसु जो वो ठहरे, लहू गैब समावाती वल अर्ज, इसके लिए गैब है आसमानों के और जमीन के, अब सिर बही क्या खूब देखने वाला है, वह असमे और क्या खूब सुनने वाला है, मा लहुम मिन दूनही नहीं उनके लिए उसके सिवा मिन वलीयिन कोई दोस्त, वला युशरिको नहीं वो शरीक करता फी हुक्म ही अपनी हुकूमत में अहादा किसी एक को। जी बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल। अब सिर्फ ही वास में ये आप जानते हैं कि ताज्जुब का सीगा है। वतलू मा उहिया इलैका, और पढ़िए जो वही किया गया है तेरी तरफ, मिन किताब रब्बिक तेरे रब की किताब में से, ला मुबद्दिला लिकलिमातिही नहीं कोई बदलने वाला उसके कलमात को, वलन तजिदा और हरगिज नहीं तो पाएगा, मिन दूनी उसके सिवा मुत्तहदा कोई जाय बना या कोई बना का। जी बिल्कुल बनाएगा, यानी कोई आपको तब्दील ना, कोई तब्दील कर सकता है उसके कलिमात को और ना ही तब्दील करने के बाद कोई पना दे सकता है। ठीक है, अब साबिका का जो किस्सा जो है वो वहाँ खत्म हो गया, अब आगे दीगर चीजें चल रही हैं। जी वस्बिर नफ्सका, और रोक रखिए अपने नफ्स को, मा लजीना उन लोगों के साथ, यदउना रब्बहुम जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाती वल अशी सुबह के वक्त और शाम के वक्त, युरीदुना वो चाहते हैं, वजहहु उसका चेहरा, वला तादु ऐना का अनहुम और ना फेरिए अपनी दोनों आंखों को उनसे, तुरीदु तुम चाहते नहीं, वला हो तादु जीनतल ना हयात। बढ़ाइए, वला तादु ना बढ़ाइए अपनी आंखों को उनसे। मैं मतलब तो फेर ही है, लेकिन लफ्जी माना मैं इशारा कर रहा हूँ, ना बढ़ाइए। अदा यादु का मतलब होता है ना किस बढ़ जाना, आगे आगे निकाल देना। जैसे बंदा किसी चीज को देखता है तो उससे अपनी नजर को आगे निकाल लेता है, यानी फेर लेता है। तुरीदु जीनत अल हयात दुनिया, तुम चाहते हो जीनत दुनिया की जिंदगी की, वला तुते और ना तुम अतात करो, मन अगफलना जिसको गाफिल कर दिया हमने, कल्बहु उसके दिल को, अन जिक्रना अपने जिक्र से, वत्तबा और उसने पैरवी की हवाहु अपनी ख्वाहिशात की, वकाना अमरुहु फुरुता और था उसका मामला हद से बड़ा हुआ। जी ये इस बारे में से मुस्लिम की एक रवायत भी पेश की जाती है ना, जिसमें सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, 6 बंदे हम नबी सल्लम के साथ थे, तो कुछ मुशरकों ने आपसे आके कहा कि इन लोगों को ना साइड पे कर दीजिए, ये जो ये यानी ये रजील लोग हैं, उन्होंने कहा यानी कि ये रजील लोग हैं, इनको साइड पे कर दीजिए, हम हमारे साथ आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इन छोटे लोगों के साथ हम नहीं बैठना चाहते, ये हमारे पास ना आए। तो ये साद बिन अबी वक्कास कहते हैं उन 6 बंदों में ना मैं भी था, इस तरह बिलाल थे, दो और आदमी थे,
इब्ने मसूद थे, हुज़ैल कबीले के एक बंदा था, ठीक है। तो रसूल सल्लम ने चाहा कि ये मेरे पास आए हैं, चले मैं इनसे कोई इनको यानी साइड पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरे सहाबी हैं और इनको मैं बिठा लेता हूँ। तो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सोचा ही था, तो फौरन अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल कर दी, वला तुरीद अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलगदाती वलअशी युरीदुना वजह। आप के जो करीबी हैं ना, इनको आप कतान अपने से दूर मत हटाइए, बल्कि इनके साथ जमे रहिए। वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलगदाती वलअशी युरीदुना वजह। ये जो गरीब गुरबा ही है ना, इनके साथ अपने आप को आप यानी इनके साथ अपने आप को जमाए रखिए, अपनी आंखें इनसे मत फेरिए, ठीक है, यानी इनको अपने नजरों से ओझल मत कीजिए। आप दुनिया की जेबो देना चाहते हैं, ये अल्लाह ताला ने इस तरह वो आबसा वतवल्ला अंजाअहुल अमा वमा युद्रीक लअल्लहु, ये वाली जो आयात हैं इब्तदाई, ये भी इसी इसी तरह के एक वाक्य के बारे में नाजिल हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ असातीने कुरैश के अंदर बैठे थे, एक सहाबी आए, नबीना सहाबी, आपने उस गरीब सहाबी की वजह से सिर्फ तेवड़ी महसूस की है, तेवड़ी चढ़ाई है, तो अल्लाह ताला ने फौरन आपको तंबीह फरमाई है कि आप इस तरह नहीं करें। जिन बड़ों को आप दावत देना चाहते हैं ना, वो बड़े अल्लाह के जिक्र से एराज करते हैं और ये अल्लाह के जिक्र के लिए भारे भागे भागे आ रहे हैं। तो यही यहाँ भी बताया जा रहा कि आप लोगों के बड़े मालो मता की तरफ देखते हुए आप उनको इस्लाम की दावत देना चाहते हैं और आप मेरे जो गरीब साहबा अपने गरीब साहबा हैं उनको पीछे हटाना चाहते हैं, ऐसा ना करें। बस जी, क्या और पढ़ना है, ख्याल है जी, ये रुकूम कमल कर लें। शेख मतलब एक सवाल है आपसे, बस जी, 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं। शेख मतलब अभी आपने जो जिक्र किया था कि कुरान में बस टू द पॉइंट बातें होती हैं, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, फिर गौर फिक्र की भी बात आपने समझाई। आपको क्या कुरान में वो चीजें नहीं उनके इशारे दिए गए जिनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है? जी दिए गए हैं इशारे, हम कह रहे हैं सारा कुछ मौजूद है, मैं इस चीज़ की नफी नहीं कर रहा कि इसको दीप के अंदर नहीं जाना चाहिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जो इससे अखज करना चाहता है कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो असल चीज़ है ना उससे वो हट ना जाए। अब मैं तो तौहीद से अगर कोई हटा हुआ है ना, तो वो सारी सारे उलूम भी उसे अखज कर देना, तो उसको कुरान ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि कुरान का असल मकसद तौहीद है, असल उनवान कुरान का तौहीद बारी ताला है, अकीदे तौहीद है और आखरत है। आखरत, कोई बंदा आखरत को नहीं मानता और अल्लाह को नहीं मानता, तो वो कुरान पाक से जितने मर्जी उलूम निकालता रहे, उसको कोई फायदा नहीं दिया कुरान ने। तो ये कह देना, यानी मैं उन मुल्हिदीन का रद्द करता हूँ कि जो कहते हैं कि मुसलमानों ने कुरान से फायदा ही नहीं उठाया, फायदा तो इससे उठाया है गोरों ने। जब ये वो बात करते हैं ना कि एक गोरा जिसने कुरान पाक पढ़ने के बावजूद, उसके उलूम निकालने के बावजूद उसको अकीदा तौहीद नसीब नहीं हुआ ना, तो उसको कुछ भी नसीब नहीं हुआ, वो तो उसको दुनिया की नेमत लेकिन मिली है ना सिर्फ। तौहीद के बाद तो हम इन चीजों की तरफ जा सकते जी हैं ना, बिल्कुल, मतलब जा सकते, तौहीद में, मैं कह रहा हूँ जा क्योंकि आज सकते हम हैं। जी क्योंकि आज हम इसी चीज में तो पीछे, पूरे एज अ मुस्लिम उम्मा आज हम इन्हीं चीजों की वजह से मार खा रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो कोई दूसरा उठ के बोल सके। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी ये सर। मेरी बहन, ये भी हमारी खाम ख्याली है कि हम इस वजह से मार खा रहे हैं। हम मार इसी वजह से खा रहे हैं कि हमारे अंदर तौहीद की गैरत नहीं है, हम मार इस वजह से नहीं खा रहे हैं, ये याद रखें, हम मार इस वजह से कतई नहीं खा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में हम ये समझते हैं ना कि इस्लाम गालिब था, क्या ख्याल है? यानी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में तो इस्लाम गालिब था ना, जी जी नबी के आखिरी दौर के अंदर, मदनी जिंदगी के अंदर पता इस्लाम कभी भी सरनगू नहीं हुआ, मदनी जिंदगी के अंदर ऐसे ही है।
ऐसा ही है ना। जी उनके जी पास सिर्फ और सिर्फ क्या था? ईमान था, कुरान, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन था। उनके पास तो ये चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बल्कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा लेटे हुए देखा तो आपके जिस्म मुबारक पर चारपाई के निशानात थे, तो वो रोने लग गए। अल्लाह के नबी, दुनिया के जो बड़े बड़े काफिर हैं उनके पास इतनी आसाइशो आराम है, इतनी वो नेमतों के अंदर लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो आपके साथ आप इतने सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी साहब ने फरमाया कि ये सारा कुछ जो है ना उनके लिए, ये दुनिया में है, हमारे लिए आखिरत के अंदर है। हम ये नहीं, हम इस चीज का इनकार नहीं करते कि वाईदु लहुम मस्तता मिन कुवा, इसके तहत हमने सारा कुछ करना है। लेकिन एक मुसलमान जब डिट्रैक कब हुआ है कि जब उसने अपना मतमय नजर, अपना तवक्कुल सिर्फ असबाब के ऊपर कर लिया है। वो कहता है कि मैंने एटम बम बना लिया है तो बस अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो सारा कुछ एटम बम के जरिए नहीं होता, कुछ चीजें और जराए से भी होती हैं। अल्लाह ताला की गैबी मदद किन के लिए आती है? आपने पढ़ा भी है ना हदीस के अंदर, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान था, लड़ने का जज्बा था और गलबा पाने का, इस्लाम को गालिब करने का एक शऊर था। तो अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भी भेजे हैं फिर। तो मुसलमानों को जाहिरी इसबाब इख्तियार करने चाहिए लेकिन भरोसा जाहिरी इसबाब पर नहीं करना चाहिए। तो ये हम ये कहें ना कि हम पीछे किस वजह से, हम पीछे इस वजह से हैं, हम पीछे हैं इस्लाम की के ऊपर पूरी तरह अमल पर दरामद ना होने की वजह से। लेकिन हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हम इसके ऊपर पूरी तरह इस्लाम नाफिज नहीं कर सके। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम फलस्तीन फलस्तीनियों को हम आज़ाद करवा देंगे? हम कैसे सोच सकते हैं बताएं? हमने अपने अपने अक्सर व बेशतर अपने घरों के अंदर इस्लाम नाफिज नहीं किया। नाफिज करना और चीज़ होती है, वहाँ कुरान पढ़ना या कुरान पढ़ना और नमाज पढ़ना सिर्फ ये और चीज़ होती है। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सिर्फ ये करना इस्लाम का गलबा नहीं है किसी भी घर के अंदर। इस्लाम का गलबा क्या है कि हमारे बच्चों की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तरबियत टोटली इस्लामिक हो। हम एक कदम भी उठाएं तो इस्लामी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएं। ये हमारे घरों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारे मुल्क और हमारे रियासत के अंदर नहीं होता। हम ये चाहें कि हमारे लिए अबाबील आए और हमारे लिए आसमान से फरिश्ते आए, तो ये अभी बहुत दूर है। देखे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो जंग लड़ेंगे वो किससे लड़ेंगे? नेजों और तलवारों के साथ लड़ेंगे ना, नेजों और तलवारों से लड़ेंगे। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, सिर्फ ये है कि एक एक होगी पूरी उम्मत और वहाँ अदल व इंसाफ होगा, फाशी और यानी का खात्मा होगा। किसी भी कौम के तबाह होने की दो बुनियादी वजह होती हैं, और भी हैं लेकिन बुनियादी जो वजह दो हैं, एक उसके अंदर शिरक आ जाए, दूसरा उसके अंदर फाशी आ जाए। जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी ना, तो उस वो कौम बुजदिल भी बन जाती है और वो कौम हलाक भी हो जाती है, उसके ऊपर गलबा भी पा लिया जाता है, मغلوب भी हो जाती है और बुजदिल भी बन जाती है। मغلوب होना सिर्फ, ये याद रखें, ये ऐब नहीं है। किसी का गुलाम होना ये ऐब नहीं है। ऐब ये है कि बंदा बुजदिल भी हो जाए साथ। कौम जो बहादुर हो, वो अगर किसी दौर में गुलाम भी है ना, तो एक वक्त के बाद वो आज़ाद हो जाएगी अपने जज्बे और अपनी बहादुरी के बलबूते पर। लेकिन जो कौम बुजदिल हो जाए, और बुजदिल कब होती है? हमारे नौजवानों के अंदर बुजदिली कब आई है? जब वो फहाशी का शिकार हुए हैं और यानी का शिकार हुए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारी मुस्लिम मिल्ला को अल्लाह इस बीमारी से महफूज रखे। जी कोई सवाल इस वाले से? और कोई जी नहीं सर, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। पढ़िए जी। وقل الحق من ربك ठीक शेख उमर अब्दुल रहमान मैंने नहीं पढ़ा है। वो बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, अभी अच्छा वो अच्छा मैं पढ़ा।
وقل الحق اور کہہ دیجئے کہ حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے فلیؤمن پس چاہیے کہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر پس چاہیے کہ کفر کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، احاط بهم سرادقها گھیر لیں گے ان کو اس کی سرادقها لپیٹیں جو ہوں گے شولے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر فریاد کریں گے یغاثوا فریاد اس کی فریاد رسی کی جائے گی، بِمَا ان ساتھ پانی کے، کَالْمُهْلِ تیل کی تلچھٹ کی طرح، يَشْفِ الْوُجُوهَ جو بوند ڈالے گا چہروں کو، بِئْسَ الشَّرَابُ کتنی بری ہے پینے کی چیز، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اور کتنا برا ہے مقام. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو یہ اختیار کے طور پر نہیں کہا، بلکہ یہ تنبیہ اور تنبیہ کے طور پر کہا ہے کہ اب یعنی تمہاری مرضی ہے، تم ایمان لانا چاہتے ہو ایمان لے آؤ، کافر ہونا چاہتے ہو کافر ہو جاؤ، اگر تم نے کافر ہو گئے تو پھر ہم نے تمہارے لیے کیا تیار کی ہے، ظالموں کے لیے ہم نے کیا تیار کی ہے، آگ تیار کی ہے کہ جس کا انجام، جس کی صورتحال یہ ساری اللہ نے بیان کر دی. جی ان الذين امنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، و عملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان لا نضيع اجر من احسن عملا بے شک نہیں ہم ضائع کریں گے اجر من احسن جو کوئی اچھا کرے عمل عمل، ہاں جی، اچھے عمل اولائی کرنے والوں کا عمل ہم ضائع نہیں کرتے، اب ان کو اجر کیا ملے گا یہ آگے ہے. اولئک لهم جنات عدن یہی لوگ ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری من تحتهم الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساور وہ پہنائیں گے ان میں کنگنوں کنگن پہنائے جائیں من گے، انہیں ذہب، پہنایا جائے گا، ان کو پہنایا جائے گا اس میں کنگن من ذہب سونے کے، ویلبسون ثیابن اور وہ پہنائے جائیں گے پہنیں گے وہ پہنیں گے. لباس، وہ پہنیں گے لباس خزرم سبز من سندس باریک ریشم سے، وہ استبرق اور دبیز ریشم، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس میں، علی الارائک کے اونچی مسندوں پر، نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وہ حسنت مرتفقہ اور کتنا اچھا ہے مقام اس کا. تو اس میں جنتیوں کی نعمتوں کا ایک کرشمہ ذکر کیا گیا کہ ان کو، ایک تو ان کو سونے کے کنگن، سونا دنیا کے اندر مردوں کے لیے حرام ہے، آخرت کے اندر حرام نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے خوبصورتی کے لیے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے. دوسرا ان کو سرسبز و شاداب سبز قسم کے چوگے بھی پہنائے جائیں گے، جو ریشم کے بریک اور موٹی ریشم دونوں طرح، سندس بریک ریشم یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، استبرق اور یہ موٹی ریشم، اس حال میں کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر. اللہ اکبر، اللہ مجلنا منہ، سبحانک اللہ. کوئی بات کسی نے کرنی ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی سوال، کوئی بات؟ یہ چلے یہ بتا دیجئے گا کہ چھٹیوں کا کیا شیڈول ہے، ویسے تو معاذ بھائی نے بھیجا ہے، ہم نے عرض کیا تھا شیخ نا ہم لوگ کی کہ کلاسز ہوں گی، جی ہم لوگ کی کلاسز تو ہوں گی، ہوں گی کلاسز. نہیں ان کا تو چھٹی ہے لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہمارا چونکہ سلیبس لیٹ سٹارٹ ہوا ہے تو ہم لوگ کی کلاسز ہوں گی. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کلاسز ہوں گی اللہ نے چاہا تو. سبحانک اللہ حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.